नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ रियलमी 2 प्रो के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रियलमी 2 प्रो तो मिल गया अपडेट एंड्रॉयड पाई का और कलर OS 6 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको बता भी देता हूँ अबाउट फ़ोन में, और आप यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन 9 मतलब पाई और कलर OS वर्जन 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हो और इसमें जो जो चेंजेस हुए हैं आज मैं वही बताने वाला हूँ। तो जो पहला चेंजेस हमें देखने मिलता है वो है एडेड नोटिफिकेशन आइकॉन स्टेटस बार। मतलब मैं बता देता हूँ, समझो व्हाट्सअप पे मैसेज आता है तो यहाँ पे ऊपर जो आइकॉन आता है वो अभी आने वाला है। समझो मैसेज आया तो यहाँ पे ऊपर आइकॉन आ जाएगा। जो दूसरे चेंजेस मिलते हैं मतलब ऐड हुआ है वो है लॉक स्क्रीन मैगजीन। मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अभी आप लॉक करोगे तो ये जो स्क्रीन है ये चेंज होते रहती, पर अभी तो मैंने इसे ऑफ किया है। अगर आप अपने फ़ोन में ट्राई करोगे तो ये चेंज होएगा। तो अभी मैं वापस चले जाता हूँ और थर्ड अपडेट में चले जाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो एडेड ए न्यू नेविगेशन जेस्चर। यहाँ पे दो न्यू जेस्चर ऐड कर दिया, तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेटिंग में चले जाता हूँ और फिर ये वाले मोड में आप चले जाइए, कन्वीनियंस ऐड, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये ऑप्शन आ रहा है नेविगेशन की, तो इसमें आप देख सकते हो ये दोनों ऑप्शन न्यू आ गए हैं। पहले ये दोनों ही थे, अभी ये दोनों आ गए हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी जो दूसरा अपडेट मिलता है वो है एडेड ऐप ड्रॉअर टू कलर OS लॉन्चर। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये वाला अपडेट है ये जो, और इसे अगर एनेबल करना है तो मैंने पहले से ही बता दिया है इस तरह एनेबल करते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। अभी दूसरा अपडेट मिलता है एडेड राइडिंग मोड। अगर आप समझो टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते हो तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा राइड इन मोड, इससे आप एनेबल भी कर सकते हो। अभी दूसरा अपडेट पे हम चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे एडेड लाइव वॉलपेपर, अभी आप वॉलपेपर भी ऐड कर सकते हो इसमें, लॉक स्क्रीन में नहीं, बस ये होम स्क्रीन पे उसमें। तो यहाँ से क्लिक कीजिए आप और यहाँ से वॉलपेपर में चले जाइए। वॉलपेपर में जाने के बाद में यहाँ पे स्लाइड दीजिए और यहाँ पे मोर वॉलपेपर, और यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव वॉलपेपर। तो इसे आप चेंजेस भी कर सकते हो, समझो यहाँ से ये जो स्पीड बढ़ा सकते हो। बहुत माइनर चेंजेस हो रहा है, इतना पता नहीं चल रहा है। और यहाँ से जूम, और यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो सा। तो ये तो मैंने बता दिया। अभी जो दूसरा अपडेट है उस पर हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच में 5 सा देखने मिलता है। तो ये बहुत ही जून का मिलना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, मिला वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग में चले जाता हूँ और सेटिंग में अबाउट फ़ोन में, और अबाउट फ़ोन में आप यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच MIUI। अभी जो दूसरा अपडेट मिलता है वो उसमें हम चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो ये नोटिफिकेशन पैनल अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल बहुत ही ज़्यादा मस्त अपडेट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अभी जो दूसरा अपडेट है वो है AI बोर्ड और डिफ़ॉल्ट थीम। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो डिफ़ॉल्ट थीम मिलता है हमें, तो ये भी चेंजेस हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो आईक्रॉन में भी। यहाँ पे दूसरा अपडेट मिला है वो है एडेड क्रोमा बूस्ट मोड। तो इसका इतना ज़्यादा यूज़फुल तो है नहीं, यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फीचर है इसे बस एनेबल कर देना है, और यहाँ पे इतना चेंजेस नहीं है, जो है वो वैसा ही। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑन है और ये ऑफ है, इतना कुछ चेंजेस देखने तो मिलता ही नहीं है, इतना बूस्ट नहीं होता है कलर। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इतना चेंजेस नहीं है। अभी जो दूसरा अपडेट वो हमें देखने मिलता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 4 एप्लीकेशन नए आए हैं, एडेड रियलमी थीम स्टोर, एडेड रियलमी ऐप मार्केट, एडेड रियलमी रेम सेंटर और एडेड रियलमी कम्युनिटी ऐप। तो इतना कुछ मेजर तो ये चेंजेस नहीं था ये ऐप वाला, पर ये जो कलर वॉइस है वो अच्छा है। और यहाँ पे आप वॉल्यूम अप डाउन बटन में आप यहाँ पे देख सकते हो ये चेंजेस हुआ है, MIUI जैसा किया इन लोगों ने यहाँ पे 3 लाइन में। और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम
रिंगटोन और ये अलारा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप देख सकते हो यही अपडेट चेंजेस है। अगर इसमें आपको पूरा डिटेल में चाहिए, पूरा जो जो चेंजेस हुआ है, तो आप नीचे कमेंट दीजिए, मैं उससे लिए भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।